Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a lesson from your beehive book, class 9. This is lesson number 9 and the name of the lesson is The Bond of Love. The writer of the lesson is Kenneth Anderson. Now as the title of the lesson suggests, yahan par ek special bond ki baat ho rahi hai. Ye bond writer ki wife and ek sloth bear jiska naam Bruno hai, unke beech mein bataya gaya hai. Writer batate hai ki unhe Bruno kaise mila and how he became his wife's pet. So, 2 saal pehle ve Mysore mein the and ek baar ve ek sugarcane field se pass ho rahe the. To ve dekhte hai ki log un kheton mein se wild pigs ko shoot karke bhaga rahe the. Tabhi achanak ek black sloth bear haafta hua hamari taraf bhagta hua chala aa raha tha. Ab agar meri baat kare to I would not shoot the poor beast unnecessarily, but shayad meri jaise soch mere companion ki nahi thi and he immediately shot the bear. Now humne dekha ki jaise hi wo furry black bear niche gira, usme se ek chota sa fur ka tukda jaise separate ho raha tha and it left the prostrate body. It was a baby bear. So, goli mother bear ko lagi thi and wo baby bear bahut hi ghabra gaya tha. Writer use pakadne uske piche bhaage, to he ran away into the sugarcane field. Finally, writer ne and unke friends ne use pakad liya. Jabki wo apne aap ko chudwane ke liye apne long hooked claws se writer ko scratch karne ki koshish kar raha tha. Fatafat ve log us bear ke bachche ko ek gunny bag, ek bori mein rakhte hai. जब वे बैंगलोर पहुंचते हैं तो वे उस बैर को अपनी वाइफ को प्रेजेंट करते हैं. उनकी वाइफ ये सरप्राइज्ड गिफ्ट देखकर बहुत खुश होकर उसके गले में एक कलर्ड रिबन डाल देती है एंड उसका नाम ब्रूनो रखती है. स्टार्टिंग में तो ब्रूनो बॉटल से दूध पीता था, बट सून ही स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग. ब्रूनो सब कुछ खा लेता था, उसे पॉरिज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, लिकर, सब कुछ वो खा लेता था एंड द लिस्ट वॉज एंडलेस, यानी वो क्या नहीं खाता था. नाउ ब्रूनो उनकी वाइफ के साथ साथ उनके दो अल्सेशियन डॉग से भी काफी अटैच था एंड उनके टेनेंट्स के बच्चे से भी काफी घुल मिल गया था. ब्रूनो जब चाहे जहाँ चाहे आ जा कर सकता था. आगे राइटर बताते हैं कि ब्रूनो के साथ एक एक्सीडेंट हुआ. राइटर के लाइब्रेरी में चूहे बहुत हो गए थे एंड वे उनकी सारी बुक्स को डैमेज कर रहे थे. तो राइटर ने लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट रख दिया जो चूहे मारने का पॉइजन है. अब ब्रूनो तो फ्री था, कहीं भी आ जा सकता था, तो ही एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन. पॉइजन खाते ही वो पैरालाइज्ड हो गया. मुश्किल से वो अपने आप को ड्रैग करते हुए उनकी वाइफ तक पहुंचा. बड़ी मुश्किल से हमने उसे कार में डाल के एक वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर तो देख के थोड़ा शॉक ही हो गया. सो डॉक्टर सोचने लगा, ए केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बेयर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू नाउ. फटाफट उन्होंने अपनी मेडिकल बुक्स निकाल कर रेफर करने लगे. सो आफ्टर रेफरिंग द बुक्स, डॉक्टर ने उसे एक 10 cc का एंटीडोट दिया. 10 मिनट्स के बाद मेडिसिन का कोई असर नहीं हुआ. सो अगेन एक 10 cc का इंजेक्शन दिया एंड आफ्टर 30 मिनट्स ही वॉज मच बेटर. थोड़ा सा बेटर फील करने के बाद ब्रूनो लुक्ड एट देम डिसडेनफुली, यानी डिसअप्रूविंगली, एंड उसके एक्सप्रेशन जैसे ये कहना चाहते थे कि बेरियम कार्बोनेट इज नथिंग टू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी. दूसरा इंसिडेंट राइटर बताते हैं कि एक बार ब्रूनो ड्रैंक 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजिन ऑयल. राइटर ने अपनी स्टर्ड बेकर में से, स्टर्ड बेकर इज एन ओल्ड अमेरिकन कार, सो राइटर ने अपनी पुरानी कार में से 1 gallon इंजिन ऑयल एक कंटेनर में भरकर रखा था एज अ वेपन अगेंस्ट टर्माइट्स, घर में दीमक अगर हो जाए तो उससे बचने के लिए. एंड ब्रूनो ये पूरा 1 gallon ऑयल पीने के बाद भी ब्रूनो पर कोई असर नहीं हुआ. धीरे धीरे टाइम पास्ड ऑन एंड ब्रूनो बड़ा होने लगा. उसकी साइज बढ़ रही थी बट वो पहले जैसा ही स्वीट, मिस्चीवियस एंड प्लेफुल था. वो बहुत ही अफेक्शनेट था. राइटर की वाइफ एंड ब्रूनो एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच थे एंड उनकी वाइफ ने उस बेयर का नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया. बाबा यानी छोटा सा बच्चा. उसे
थोड़ी ट्रिक्स भी सिखाई थी, जैसे रेसलिंग या बॉक्सिंग, स्टिक को गन बना के किसी को पॉइंट करना, देन लकड़ी के टुकड़े को छोटे से बच्चे की तरह बेड में सुलाना। बट क्योंकि बाबा अब बड़ा हो रहा था एंड था तो वो एक वाइल्ड एनिमल ही, एंड आसपास के टेनेंट के बच्चों की वजह से बाबा को चेन से बांध कर रखा जाता था, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कीप हिम एट होम। सो राइटर ने, उनके बेटे ने एंड उनके फ्रेंड्स ने, सब ने उनकी वाइफ को समझाया कि ब्रूनो को मैसूर के जू में दे देना चाहिए। सो इट वॉज डिसाइडेड कि ब्रूनो को मैसूर के जू में भेज दिया जाए, जो 87 माइल्स की दूरी पर था। नाउ ब्रूनो के जाने के बाद सब उसे मिस कर रहे थे, एस्पेशली राइटर की वाइफ। वो तो इनकॉन्सोलेबल थी, वो रोती रहती थी, एंड ब्रूनो की चिंता में खाना भी बंद कर दिया था। वहाँ जू में ब्रूनो भी उदास रहता था एंड खाना नहीं खा रहा था। जो भी फ्रेंड्स मैसूर जाते थे, उनकी वाइफ उन्हें रिक्वेस्ट करती थी जू में जाकर ब्रूनो का हालचाल देख कर आने को। वापस आकर सब उसे रिपोर्ट करते थे कि वो काफी दुबला पतला हो गया है, बहुत ही दुखी एंड अनहैप्पी दिख रहा है। 3 महीने तक तो राइटर उनकी वाइफ को किसी न किसी बहाने से रोकते रहे, बट फाइनली एक दिन उसने जिद पकड़ ली एंड राइटर को उसे लेकर जाना ही पड़ा। राइटर कहते हैं कि सभी फ्रेंड्स को एंड मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ब्रूनो उसे पहचानेगा नहीं, बट अभी तो वो केज से थोड़ी दूर थी तभी बाबा ने उसे पहचान लिया। वो खुशी से चिल्लाने लगा, वो भाग के केज के पास पहुंच गई एंड उसे पेट करने लगी, एंड बाबा स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, खुशी के मारे अपने सर के बल खड़ा हो गया। 3 घंटे तक वो केज के पास से हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो बाबा के लिए ढेर सारी खाने की चीजें लेकर आई थी। अब जू का बंद होने का टाइम हो गया था। उनकी वाइफ एंड ब्रूनो दोनों इमोशनल हो गए थे, कोई रो रहा था, कोई उदास था। बट राइटर कहते हैं कि आई न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, उन्हें अंदाजा था कि अब वो क्या पूछने वाली थी। मेरी वाइफ ने क्यूरेटर को, उस केयर टेकर को पूछ ही लिया कि क्या हम हमारा बाबा वापस लेकर जा सकते हैं। अब वो तो बेचारा केयर टेकर था, सो उसने कहा कि ही इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, तो ऐसे ही तो रिटर्न नहीं कर सकते, बट हाँ अगर मेरे बॉस हाँ कहते हैं तो यू कैन टेक हिम बैक। सो वे लोग वापस बैंगलोर आए, सुपरिटेंडेंट के घर गए, वहाँ थोड़ा रोना धोना, थोड़ा इमोशनल ड्रामा हुआ, एंड क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड मैन था तो वो मान गया। हम सब सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ वापस मैसूर गए, बाबा को एक केज में रखा एंड उस केज को चढ़ाया कार के ऊपर, एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, इट वॉज कम्प्लीटेड। नाउ ब्रूनो इतना बड़ा हो चुका था कि वो घर में तो रह नहीं सकता था, सो उसके लिए घर के कंपाउंड में स्पेशल आइलैंड बनाया गया। बट यहाँ आइलैंड के जैसा आसपास पानी नहीं था, सिर्फ एक खड्डा था, सो बाबा के लिए एक 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड आइलैंड बनवाया गया, एंड उसके आसपास एक 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप खाई बनवाई गई। ऐसा इसलिए सो दैट बाबा उस एरिया से बाहर ना निकल सके, बिकॉज था तो वो एक वाइल्ड एनिमल ही। नो राइटर के घर में एक वुडन बॉक्स था जिसमें पहले फॉल्स रहते थे, फॉल्स यानी हैंस या कॉक्स। सो उस वुडन बॉक्स को बाबा का बेड बनवाया गया, एंड उसके जो भी खिलौने थे जिससे वो पहले खेलता था वो सब चीजों को उसके पास रख दिया। थोड़े दिनों के बाद जब आइलैंड तैयार हो गया तो कूलीज ने उस केज को आइलैंड में रख दिया एंड बाबा को रिलीज कर दिया। आजाद होके बाबा तो बहुत खुश हो गया एंड अपने टॉयज के साथ खेलने लगा। नाउ राइटर के वाइफ काफी सारा टाइम आइलैंड पर बिताती थी, वहाँ वो एक चेयर पर बैठती थी एंड बाबा उनकी गोद में बैठ जाता था, जबकि वो 15 मंथ्स का एक हैवी बेयर था, बट फिर भी उनकी वाइफ आराम से उसे गोद में बिठाती थी। हियर वी कैन सी द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द टू। अब राइटर के वाइफ उस आइलैंड पर कैसे पहुंचती थी एंड कैसे वापस आती थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। नाउ उस आइलैंड के पास एक मैंगो ट्री था, राइटर ने उस मैंगो ट्री के ब्रांच के साथ एक रस्सी बांध दी थी एंड उस रस्सी के निचले हिस्से में एक लूप बना दिया था। नाउ राइटर की वाइफ उस रस्सी को पकड़कर उस लूप में पैर रखती थी एंड जोर से किक मारती थी, एंड वो रस्सी उसे उस आइलैंड तक उस 6 फुट गैप को कवर करते हुए लेकर जाती थी। फिर वो उस रस्सी को वहीं रख लेती थी एंड उस आइलैंड से वापस आने के टाइम भी वो सेम तरीका अपनाती थी। राइटर कहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि एक स्लॉथ बेयर अफेक्शनेट नहीं होते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता या उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू जस्टिफाई द टाइटल द बॉन्ड ऑफ लव, देन द बॉन्ड ऑफ लव डिस्क्राइब्स द लव एंड अ फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अ वाइल्ड बेयर। द बेयर लूजेस हिज natural instinct and becomes a lovable and affectionate family member. The bond of love brings them together.
together even after forced separation. So the moral of the story is, even wild animals have emotions, affection and deep bonds. Even animals respond sincerely to the affection and care shown to them by human beings. They do not easily forget those who care and love them. With this, we come to an end of this lesson. Thank you.